नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है हमारा? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए रेमेडीज की बात कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और बाकी सारे वीडियोस के लिंक भी है, और पास में सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन आइकन बना हुआ है। तो अगर ये समझ आ जाता है, वीडियो अच्छी लग जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वीडियोज हैं, उनसे लगता है कि बहुत अच्छी हमें नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छी नहीं, अच्छी है, ठीक ठाक है, काम चलाओ है, तब भी सब्सक्रिप्शन का बॉक्स में जो जाकर के रेड कलर का बटन प्रेस करके, साथ ही बराबर में बेल आइकन का जो है वो भी बना हुआ है, बेल आइकन बना हुआ है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली और वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना जाना पड़े किस लिए, पीछे गई भी वीडियोस के लिंक देखने के लिए। तो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसकी रेमेडीज क्या होती है, रेमेडीज किसकी? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाता है, तो क्या रेमेडीज होंगी? अच्छा, हम कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम बोल रहे हैं दोनों पार्टीज ने, पार्टी ए और पार्टी बी दोनों है, इन दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली अगर उसको खत्म कर दिया है, तो कोई हम बोलेंगे ब्रीच हुआ ही नहीं, क्योंकि म्यूचुअली एग्रीमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इसने अपने ऑब्लिगेशन या अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसने नहीं किया, तो क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी चीज को बोला है। तो इसके लिए रेमेडीज, क्योंकि इसने कर दिया, इसने नहीं किया, इसने जो है जूते बनाने थे, इसने पैसे देने थे, इसने जूते बना दिए, इसने पैसे नहीं दिए, अब क्या होगा? जूते बनाने का कोर्स वगैरह कौन बियर करेगा? ये खुद से बियर कर ले, ऐसे तो पता नहीं कितने लोग आएंगे। ये बी है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, इसे जूते बनवाएगा, पैसे नहीं देगा, हर कोई ऐसे कर सकता है, फिर क्या होगा? तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज, इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट, या उसको बोले कुछ ना कुछ इसको इससे जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के बाद कुछ हम बोलेंगे इसको जो नुकसान उठाना पड़ा, उस नुकसान की भरपाई के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला कैंसिलिएशन और रेसिसिएशन, दूसरा है रेस्टिट्यूशन, तीसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, चौथा इंजंक्शन, पांचवा क्वांटम मेरिट, और छठा है डैमेजेस। तो सबसे पहला क्या बता रहे हैं? सबसे पहले बता रहे हैं कैंसिलिएशन और क्या रेसिसिएशन। तो जो कैंसिलिएशन या रेसिसिएशन है, हमने इसको और रेस्टिट्यूशन को दोनों को हमने उसमें भी पढ़ा था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है, कि हमने ऐसा पढ़ा था। तो अब ये इसका क्या मतलब है, रेसिसिएशन का मतलब? रेसिसिएशन का मतलब होता है जब एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया, जूते बना के दे दिए, दूसरी पार्टी ने पैसे नहीं दिए, तो ये मान लेगा कि मैं इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो ये अब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल हुआ मान लेगा, और जो इसको रेमेडीज होगी या जो इसका हक बनता है, वो हक जो होगा, वो इसके लिए इसको किसको, बी को सू कर सकता है। ये मान लेगा कि जिसने अपने मना कर दिया पेमेंट देने के लिए, इसका मतलब इसने जो है अपने पार्ट से कैंसिल कर दिया, और जो कैंसिल करने का जो भी इसके ऊपर रेमेडी मिल सकती है, भरपाई मिल सकती है, ये क्या करेगा, बी से मांग सकता है। अब हमें नहीं समझ में आया, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब तो हर कोई ये सोचेगा कि कैंसिल हो गया, दूसरे पार्टी ने मना कर दिया, तो इसमें और बाकी सब में अंतर क्या है, है ना, वो पढ़ते हैं। देखिए, इसमें एग्जाम्पल है, ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा कि आप जो है मेरे लिए 2 हफ्ते तक, यानी 2 वीक्स तक गाना गाएंगी। तो क्या हुआ, 2 वीक तक, 2 हफ्तों तक बी ने गाना गाना था ए के लिए, लेकिन छठी ही रात, यानी 1 2 3 4 5 5 दिन तो इसने गाया, और छठे दिन जो है इसने नहीं गाया, ये एब्सेंट हो गया, ये बी जो थी वो अपने पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करी। क्यों? क्योंकि इसने जो है छठे दिन गाना नहीं गाया, विलफुली एब्सेंट हो गई, और अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया। अब ए जो है समझ लेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, यानी बाकी का 1 हफ्ता भी वो गवाने के लिए उसको नहीं बोल रहा है, और रेसिशन कह रहा है, यानी कि जो मुझे नुकसान होता है मुझे उसका कंपेंसेशन दो, ये बी जो है बी से ए मांग सकता है। तो पहली चीज तो ये हो गया कि वो कैंसिल कर रहा है अपने पार्ट का।
दूसरा आ जाता है रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है? रेस्टिट्यूशन का मतलब अर्थ होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ तो वो वॉइड नहीं था, कैसा था? वैलिड था, लेकिन वो वॉइड हो जाता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ या वॉइड एब इनिशियो, इन स्टार्टिंग से ही वो कैसे होता है, बेकार होता है और कहीं भी किसी भी कानून में उसको लॉ नहीं या बोलेंगे एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जब एंटर हुआ, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वॉइड हो गया, जैसे कि वॉर के केस में होता है। तो अब जो पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है वो जितना कॉन्ट्रैक्ट इसने पूरा कर दिया उसका भरपाई मांग सकती है। ध्यान देना, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ वो वैलिड था लेकिन बाद में वॉइड हुआ, लेकिन अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ही एंट्री की है और बाद में रेस्टिट्यूशन मांग रहे हैं, कंपेंसेशन मांग रहे हैं, तो वो नहीं हो पाता, वो पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया और वॉइड होने के बाद क्या हुआ, अब जो है उसकी कंपेंसेशन मांगी जा सकती है। जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर आप सी के साथ शादी कर लेंगे तो मैं आपको 1000 रुपया दूंगी या दूंगा। ध्यान से दीजिएगा, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, सी के साथ शादी कर लो, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। बी जो था, टाइम आया, उस वक्त जो है तैयार था शादी करने के लिए, लेकिन ए की जो है वो डेथ हो गई। अब ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब बी क्या कंपेंसेशन मांग सकता है? बी कंपेंसेशन मांग सकता है इसके लीगल गार्जियन से या जैसे भी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो कैसा हो गया, वॉइड हो गया, तो चाहे तो वो रेस्टिट्यूशन मांग सकता है, यानी जितना पार्ट अदा कर दिया उतने पार्ट का कंपेंसेशन डिमांड किया जा सकता। बट हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की क्या बात है, इसका मतलब ये हुआ जब एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, ब्रीच हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। जब एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ, ऑन द पार्ट ऑफ दिस पार्टी जिसने मना किया है, कॉन्ट्रैक्ट को उसने ब्रीच कर दिया। अब हमने बोला ये कैंसिल भी कर सकता है, अगर वो वॉइड हो गई है बात तो रेस्टिट्यूशन भी मांग सकता है। और थर्ड चीज है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि कह सकता है, डिमांड कर सकता है कि इसको ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस काम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बोल रहे हैं पैसे ले लो, तो पैसे लेना यहाँ पे कंपेंसेशन नहीं हो पा रहा पैसे लेकर के। जब मॉनेटरी कंपेंसेशन पॉसिबल ना हो कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने की वजह से, तो उसको जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी के लिए बोला जा सकता है कि आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में ये आता है कि जब ये ना पता चले कि जिसको नुकसान हो रहा है, ए को जो नुकसान हो रहा है बी की बात, बी का काम ना करने की वजह से, उसका क्या हम उसको टर्न अप करें कि क्या मनी में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या करी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी से कही जा सकती है कि आप अपने हिस्से का काम करके दीजिए या ये काम करके दीजिए। मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने पूरा कर दिया, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब जब मॉनेटरी कंपेंसेशन या तो काफी नहीं हो या उसको कैलकुलेट ना किया जा सकता हो। फिर आ जाइए फोर्थ हमारे पास है इंजंक्शन। अब इंजंक्शन का क्या मतलब हुआ, इंजंक्शन का मतलब होता है रोक लगा देना। अब रोक लगाने का मतलब ऐसे है कि ए और बी ने दो एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि एक साल तक आप जो भी बिजनेस करेंगे हमारे ही बीच में होगा, यानी ए जो है वो जो गुड्स सप्लाई करेगा वो बी को करेगा और बी गुड्स ए से ही गुड्स लेगा एक साल तक। लेकिन बी ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया इन्होंने, क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि ए जो है गुड्स देगा और बी पैसे देगा और दोनों आपस में बिजनेस करेंगे, तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा और सी से गुड्स मंगाने शुरू कर दिए, 6 महीने तक तो इससे मंगा लिए, 6 महीने बाद मना कर दिए। अब क्या हो सकता है, अब इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, यानी ब्रीच कर दिया है, तो ये जो है ए
का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस पे इंजंक्शन किस कॉन्ट्रैक्ट पे कि बी से सी बी सी से सामान नहीं मंगवा सकता या बी सी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता इस पे इंजंक्शन लगवा सकता है थ्रू कोर्ट, ये है इसकी रेमेडी। फिर आता है क्वांटम मेरिट। अब क्वांटम मेरिट का क्या मतलब हुआ? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जिस भी पर्टिकुलर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का जितना पार्ट पूरा हो गया, से जैसे हम आप बात करें ए और बी की, वही बात पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, तो जितना उन्होंने उसने गुड्स दे दिए थे जैसे 6 महीने की दिए थे, तो इसको बोला गया 6 महीने की प्रोपोर्शन आपने पूरा करी है, 6 महीने की जो वो था 6 महीने के गुड्स आपने सप्लाई किए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, तो 6 महीने का आपको मैं दे देता हूँ क्या परफॉर्मेंस के पैसे। तो क्वांटम मेरिट ऐसे हुआ कि जितने प्रोपोर्शन में काम पूरा किया उतने प्रोपोर्शन में उसको पेमेंट मिल जाएगी जो कि प्लेंटिफ है। फिर आ जाइए डैमेजेस। डैमेजेस का क्या मतलब होता है? डैमेजेस का मतलब होता है जहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं। डैमेजेस किस में पे करी जा रही है? मॉनेटरी टर्म्स में पे की जा रही है। तो जिसको नुकसान हुआ उसको कुछ मनी की वैल्यू दी जा रही है, जिसमें कि 4 तरीके से डिफाइन की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जनरल, स्पेशल, विंडिक्टिव और नॉमिनल। तो सबसे पहले आया जनरल। अभी जनरल की क्या बात है? जनरल का मतलब ये होता है कि इसमें किसी को पनिश करने का इरादा नहीं होता। से ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में, बी ने पेमेंट नहीं दी या बी ने कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ब्रीच कर दिया, अब क्या होगा? जो ए को नुकसान उठाना पड़ा होगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया इसने, तो जो नुकसान उठाना पड़ा उसकी ये डैमेजेस के लिए डिमांड कर रहा है। तो डैमेजेस कैसे मिलेंगी? जितने प्रोपोर्शन हुए, किस प्रोपोर्शन में? मनी के टर्म्स में। जितने मनी में नुकसान हुआ है इसको, लगभग उतनी ही डैमेजेस इसको दे दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा जनरल डैमेजेस है, यहाँ पर कोई भी पर्पस नहीं है कि इसको हमें पनिश करना है या एग्जाम्पल सेट करना है, यहाँ तो सिर्फ इतना है कि इसके जो है, जो ए है जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। तो जनरल का मतलब सामान्य, कि सिर्फ इसकी भरपाई का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? कि इसकी जो डैमेजेस इसको सफर करनी पड़ी, जो डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई हो जाए डैमेजेस से। तो जनरल डैमेजेस ये होती हैं। अब आ जाइए स्पेशल डैमेजेस। अब स्पेशल डैमेजेस का मतलब ये नहीं है कि तो जनरल थी अब कुछ स्पेशल डिब्बा आ गया है ना, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल डैमेजेस का मतलब होता है कि जब इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इन दोनों ने लिख लिया था कि अगर दोनों में से एक भी पार्टी डिफॉल्ट पे रहती है, अपना काम पूरा नहीं करती है, तो जो दूसरी पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है उसको इस रेट पर, इस प्रोपोर्शन पे डैमेजेस मिल जाएंगी। मेरी बात समझ आई? अगर जल्दी हुआ है तो हम दोबारा समझ लेते हैं। जब दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो जैसे कि ओ टर्म्स थी, वैसे ही ये भी टर्म थी कि जब दोनों में से अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो दूसरी पार्टी है जो प्लेंटिफ होगी, जैसे ए ने बी को सामान दे दिया, बी ने पैसे नहीं दिए, तो कौन हुआ प्लेंटिफ? ए, इसको पैसे नहीं मिले। तो यानी कि ये पहले से ही लिखा हुआ था कि अगर बी पैसे नहीं देगा तो ए को कितनी डैमेजेस मिलेंगी, या ए सामान नहीं देता बी पैसे दे देता है तो बी को कितना सामान मिलेगा या किस प्रोपोर्शन में पैसा वापस मिलेगा, ये चीजें दोनों के बीच पहले से ही मेंशन थी, इसको बोला गया स्पेशल डैमेजेस। तीसरा है ये विंडिक्टिव डैमेजेस, या इसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस। अब विंडिक्टिव एग्जाम्पलरी डैमेजेस जनरली हम बात करते हैं टोर्ट में होती है, लॉ ऑफ टोर्ट्स में होती है, ताकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट किया जा सके, इसलिए जो है ये विंडिक्टिव जो होती हैं डैमेजेस ये दी जाती हैं। यहाँ पर मनी के टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कैसा है, एग्जाम्पल सेट करने के पर्पज से है। फिर आ जाइए नॉमिनल। अब नॉमिनल है तो समझ में आ रहा है कि इसको कैसे देना है, इतनी इस तरीके से डैमेजेस देनी है कि क्या हो, कि सामने वाले की भरपाई भी हो जाए और दूसरी पार्टी को ज्यादा नुकसान भी नहीं हो। तो ये किन केसेस में होता है? ये जहाँ पर टेक्निकल टाइप की बोल रहे हैं, टेक्निकल टाइप की ब्रीच होती है, उस केसेस में नॉमिनल डैमेजेस की बात की जाती है। अब हमारे पास सेशन 74 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें पेनल्टी और लिक्विडिटी डैमेजेस की बात की गई।
पेनल्टी और लिक्विडेड डैमेजेस ऑल्दो इंग्लिश लॉ में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, जहां पर लिक्विडेटेड डैमेजेस को ये बताया गया कि जब, जैसे हमने पढ़ा था ना स्पेशल डैमेजेस, कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दोनों ने आपस में पहले से डील करके रखा था कि जो भी अगर डिफॉल्ट पे हुआ तो उसको कितनी भरपाई देनी होगी, ये इसको बोला गया इंग्लिश लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस। और पेनल्टी को बोला गया जैसे जब केस सामने आएगा तो जो जिसको भी जिसको नुकसान होगा उसी अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जिसने नुकसान किया है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोनों को सेम माना गया कि लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी सेम होती है, कि क्या हुआ जब तय हो चुकी है बात या फिर तय नहीं हुई है, अगर तय होगी तो क्या हुआ लिक्विड डैमेजेस है उसको पेनल्टी भी मान लिया, लेकिन पेनल्टी इतनी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को क्या बोले अनफेयर नुकसान हो, अनड्यू नुकसान हो। तो ये हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे केस लॉज। तो हम केस लॉज करेंगे। केस लॉज में सबसे पहले है वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन का, जो कि इंजंक्शन का केस है। तो इसमें क्या हुआ, जो नेल्सन की हम बात कर रहे हैं, नेल्सन ने वार्नर ब्रदर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये इनके अलावा किसी और के लिए काम नहीं करेगी। नेल्सन वाज एन एक्ट्रेस, तो ये इनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं करेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए नेल्सन ने किसी और के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस काम को रोकने के लिए दे सूड नेल्सन एंड ब्रॉट हर इनटू द कोर्ट, और जिसकी वजह से वहां पर कोर्ट ने इंजंक्शन लगाया कि नेल्सन एक्स के लिए काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इसने जो है काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वार्नर ब्रदर्स के साथ में बना लिया था। तो इंजंक्शन का काम हुआ, इंजंक्शन का केस हुआ। फिर है क्लैक्स वर्सेज हैंड्स का हमारे पास केस, ये भी इंजंक्शन का है। इसमें क्या हुआ है, ए होटलर ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जितनी भी बियर्स होंगी बी हमसे ही खरीदेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए बी ने किसी और के साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ हो चुका था। तो ये अगेन ये क्या हुआ, इनके इस काम के ऊपर इंजंक्शन लगा दिया गया कोर्ट से, कोर्ट के द्वारा। अब हमारे पास जो लीडिंग केस है वो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज व्हाट हेडली वर्सेस बैक्सन डेट। तो हेडली वर्सेस बैक्सन डेट का लीडिंग केस है, और उस केस के ऊपर ये जो मैं आपको 8 तरीके की रेमेडीज और यहाँ दिखाई दे रही हैं वो बेस की गई हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 73 सेक्शन में कुछ रूल्स बनाए गए जो हेडली वर्सेस बैक्सन डेल के केस के बेस पे बनाए गए। तो ये केस क्या था, इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो क्या थे, उसमें ऐसा हुआ कि ए ने, या हम बात करें एच ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, इसकी एक फ्लोर मिल थी, इस फ्लोर मिल में क्राफ्ट शार्फ नाम का एक चीज, एक इंस्ट्रूमेंट जो था वो खराब हो गया। उस इंस्ट्रूमेंट के रिपेयर के लिए इसने पार्टी जो कि रिपेयर करती थी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसने बोला कि मैं विद इन 2 डेज आपको ये जो है रिपेयर करके आपका क्राफ्ट शार्फ वापस कर दूंगा। पार्टी जो रिपेयर करने वाली है उसने ऐसा बोला, अब 2 दिन के अंदर अंदर कर दूंगा, लेकिन 5 दिन के बाद किया और उस 5 दिन की वजह से इसकी जो फ्लोर मिल थी वो बंद रही, यानी कि क्या हुआ इसको नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि काम ही नहीं हुआ, इंस्ट्रूमेंट मेन था उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से मिल नहीं चल पाई, और उसकी वजह से क्या हुआ काम बंद तो नुकसान, यानी कि जो नुकसान उठाना पड़ा उसके लिए इसने इसको सू किया। अब कोर्ट ने ये बोला क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, उसको कहीं मेंशन नहीं हुआ था, उसने कहीं नहीं बताया कि हम मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर अपना काम पूरा करके नहीं दिया। तो कोर्ट ने यही बोला, कहीं भी मेंशन नहीं था कि आप दोनों जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हमने बात की, या स्पेसिफिक हम बात करें सॉरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं, जब हम बात कर रहे थे ये स्पेशल डैमेजेस की जो हमने बात की, जो पहले से ही मेंशन हुआ हुआ था कि ये डैमेजेस मिलनी है, तो स्पेशल डैमेजेस कहीं थी नहीं, कहीं बताया नहीं था कि अगर 2 दिन तक के भीतर नहीं आया इंस्ट्रूमेंट जो है मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो एच है उसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस या नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगी, क्योंकि नॉमिनल किस लिए, नॉमिनल डैमेजेस किस में, क्योंकि टेक्निकल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमने पढ़ा था तब मिलती है। और नॉमिनल डैमेजेस कहाँ मिलती है, जब कहीं ना कहीं जो प्लेंटिफ है उसका खुद का ही जो है उसमें क्या हो फॉल्ट होता है, तब जाकर की नॉमिनल डैमेजेस मिलती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने बोला इसको ऑर्डिनरी या बोले जनरल डैमेजेस ही मिलेंगी,
ज्यादा आप डैमेजेस के लिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपने इसको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के इसी जो एक्ट है, यही जो हमारा केस है, इसके ऊपर 8 तरीके की ये लिखी हुई है, 2 और है। एक तो वो है डैमेजेस इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मेजर नहीं हो पाती है डैमेजेस तो उस केस में क्या होगा। तो ये 8, 2, 10 तरीके की इसके ऊपर हमारे जो है क्या निकल करके आई, क्या बोलना चाहिए, 10 रूल्स निकल करके आए। तो सबसे पहला है रेस्टिट्यूशन, जो हमने पढ़ लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी चाहे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मांग सकती है, क्लेम कर सकती है, ये समझ करके ये कैंसिल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। जनरल डैमेजेस मांगी जा सकती है, जनरल डैमेजेस का मतलब भी हमने पढ़ लिया था, जो कि एक्चुअल में उसको जैसे नुकसान हुआ सिर्फ उतना ही मांग सकते हैं। फिर स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस के हमारे पास 2 केसेस हैं, सॉरी 1 केस है, यह है सिम्पसन वर्सेस लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ये क्या केस है, इसमें ऐसा हुआ कि कंपनी ने, रेलवे कंपनी ने सिम्पसन के साथ में जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या कॉन्ट्रैक्ट था, इसके कुछ गुड्स थे, यानी कि एस के कुछ गुड्स थे जो कि एक शो होना था। कैसा शो था वो, जैसे एग्जीबिशन, एग्जीबिशन होनी थी, उस एग्जीबिशन के लिए कुछ गुड्स थे, इसने रेलवे को दिए और रेलवे को देकर के बताया था, रेलवे को पता था कि ये गुड्स कहाँ पहुँचाने हैं एग्जीबिशन पे, एग्जीबिशन तक पहुँचने जरूरी है क्योंकि एग्जीबिशन होनी ही नहीं की है। तो ये जो था, ये गुड्स कहाँ नहीं पहुँच पाए, एग्जीबिशन तक नहीं पहुँच पाए, तो स्पेशल डैमेजेस का केस है क्योंकि पहले से ही रेलवे को पता था कि ये गुड्स एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने जरूरी है, उसके बिना एग्जीबिशन नहीं हो पाएगी। तो ये स्पेशल डैमेजेस, यानी ऑलरेडी मेंशन थी कंडीशंस, तो यहाँ पर डैमेजेस के लिए क्या सिम्पसन मांग सकता है, क्लेम कर सकते हैं। फिर आ जाइए रिमोट डैमेजेस। रिमोट डैमेजेस का मतलब होता है जहां पर पता ही ना चल पाए कि आने वाले टाइम में कितने नुकसान हो सकते हैं, तो उसके लिए कहीं पर भी लो नहीं बोल रहा है कि कोई डैमेजेस मानी जाएंगी। तो जब तक पता ना चल पाए कि ऐसा हो भी सकता है, उसके लिए कोई डैमेजेस नहीं है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब है जो प्लेंटिव कह रहा है कि मुझे नुकसान हुआ है, सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो वो रेडी होना चाहिए अपने पार्ट को पूरा करने के लिए, यानी जो उसका ऑब्लिगेशन है वो उसकी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। तो उसको क्या होगा, जो भी डैमेजेस बनती है, जो उसकी जो बोलेंगे जो भरपाई बन सकती है वो उसे दी जाएगी, लेकिन कैसे, अगर वो अपना पार्ट करने के लिए तैयार है तो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का भी हमारे पास एक केस है, दैट इज नेकी वर्सेस, ये हमारे पास है प्रभु। अब ये हमारे पास क्या केस है, मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब होता है कि जिस पार्टी को बोला, जो पार्टी ये बोल रही है कि मुझे नुकसान हो रहा है, तो क्या उस नुकसान को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए उसने मेजर लिए थे। इस केस की बात सुनिए, क्या हुआ, एन और पी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा। एन ने बोला मैं आपसे दुकान लेना चाहता हूँ लीज पे, और उसके लिए उसने पी कुछ एडवांस भी पी को दे दिया। एन ने पी से बोला मैं आपसे दुकान लेना चाहता हूँ, शॉप लेनी है मुझे लीज पे, और उसके लिए उसने एडवांस भी पे कर दिया। पी ने अपनी शॉप लीज पे नहीं दी, जिस मार्केट में दुकान लेना चाह रहा था, इसकी दुकान थी जो कि देने जिसमें इंटरेस्टेड था, उसमें 8 दुकानें और थी ऐसी ही जैसे ये लेना चाह रहा था, और वो ये ले भी सकता था, इसने नहीं ली दुकान। क्या किया, इसने मना कर दिया, दुकान इसने नहीं ली, और फिर लॉस के लिए इससे कह रहा है। तो कोर्ट ने ये बोला कि आप अपने लॉस को कम भी कर सकते थे, नुकसान अपना कम कर सकते थे, और दुकानें भी तो थी वो ले लेते। तो ये जो आपसे एडवांस ले चुका है, वो एडवांस तो ये वापस करने के लिए है, वो कह रहा है मैं तैयार भी हूँ, तो देना भी पड़ेगा उसे, लेकिन इसके अलावा आप इसे कोई और नुकसान की भरपाई नहीं मांग सकते क्योंकि आपने अपने नुकसान को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस, जो प्लेंटिव है उसे जो है अपने नुकसान को कम करने के लिए खुद से भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फिर आ जाइए लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो हमने बोला था पहले से ही तय थी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हुए, सिर्फ उतनी ही डैमेजेस मिलेंगी। फिर विंडिक्टिव, जो कि एग्जाम्पलरी है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए दी जाती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डैमेजेस की बात करें, जो हमारा 9th रूल है, तो डैमेजेस इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो
डैमेजेस इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जिस तरह से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में, मेरी बात ध्यान सुनेगा, जिस तरह से एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं, उसमें जो रेमेडीज होती हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, सेम रेमेडीज क्वासी ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी चलेंगी, यानी ये सब रेमेडीज। टेंथ हमारे पास केस आ रहा है कि ऐसी कोई चीज जहां पर ये मेजरमेंट ना हो पाए कि कितनी डैमेजेस होंगी, तो वो क्या केस चलेगा? बोल रहे हैं कि मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है कितना नुकसान हुआ, तो उस चीज से आप अपने आप को बचा नहीं सकते, इसका भी एक केस है हमारे पास। हमारे पास जो केस है वो है चैपलिन वर्सेस थिक्स। इसका क्या केस है? इसमें ऐसा हुआ कि एच ने एक कॉन्टेस्ट बनाया, ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया, और उसमें बोला कि न्यूज़पेपर के थ्रू 50 जो लेडीज हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा ब्यूटी कॉम्पिटिशन के लिए, और जो सिलेक्ट हो गया उसमें से 12 लोग चुने जाएंगे जिसको कि थिएटर की परफॉर्म जॉब्स जो है वो दी जाएंगी। अब जो ये बात कर रहे हैं हम सी की, तो जो सी थी वो क्या हुआ, वो आउट ऑफ 50 लेडीज थी, लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो था वो टूट गया और वो इस 12 में नहीं आ पाया, या आ गई थी लेकिन आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो किसी तरीके से इसने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ब्रीच कर दिया। तो ये बोला कि अगर ये पता नहीं चल पा रहा कि इसको कितना नुकसान हुआ इस चीज से, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आप डैमेजेस ना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप मेजर तो नहीं कर सकते कि जैसे रेपुटेशन की बात हो रही है, तो रेपुटेशन का लॉस हुआ है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है? तो पर ये नुकसान पता नहीं चला तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भरपाई से बच सकते हैं। तो ये चीज जो है इस केस में हमें पता चली चैपलिन वर्सेस हिक्स में। तो आई होप क्लास सही लगी हो, सही लगी है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।